नमस्कार। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया से आए हुए लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेस वार्ता में। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, युवा साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को। आज ये प्रेस वार्ता मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि अंडमान में हलचल तेज है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के ऊपर में अत्याचार, लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही और हिटलर राज अंडमान निकोबार में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 3 बार के सांसद श्री विष्णु पदराय जी जब एमपी बने तब उन्होंने कहा था कि मैं अंडमान के लिए लड़ूंगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या देखने को मिल रही है अंडमान निकोबार में। सबसे पहले मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। आज अंडमान निकोबार में जिस प्रकार से मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि डॉक्टर्स की लापरवाही के वजह से दो दो मौत, वो भी सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि और इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ा हूं कि उन्होंने कुछ खो दिया है। हमने अंडमान की एक बेटी को खोया, हमने अंडमान के एक बेटे को खोया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि पूरे अंडमान निकोबार में एक जन आक्रोश आंदोलन हुआ, उसे एक तेलुगु कम्युनिटी का नाम दे दिया, जिससे ये आंदोलन एक बहुत भयंकर आंदोलन हो सकता था इस अंडमान में, लेकिन सिर्फ राजनीति के चक्कर में इस मौत को एक तेलुगु कम्युनिटी का नाम दे करके अंडमान में एक कम्युनिटी की राजनीति की गई, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। आपको कोई भी कम्युनिटी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपने एक नाम दिया कि तेलुगु कम्युनिटी आंदोलन कर रहा है, तेलुगु कम्युनिटी की एक लड़की। आपने ये क्यों नहीं कहा कि अंडमान की बेटी खो गई है, अंडमान की बेटी को इंसाफ नहीं मिला? क्या बंगाली वाले उस देवीपन अस्पताल में नहीं जाते हैं? क्या क्रिश्चियन वाले उस अस्पताल में नहीं जाते हैं? क्या रांची वाले उस अस्पताल में नहीं जाते हैं? क्या कोई धर्म और मजहब मेडिकल को सिखाता है क्या? ये क्यों तेलुगु कम्युनिटी बोल करके लोगों को भ्रमित किया गया? वहां पर मार खाने वाले अंडमान के लोग थे, अंडमान के लोकल लोग थे। जो अंडमान का इतिहास है उसको उठा करके देखिए कि अंडमान में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस कानून व्यवस्था, जो पुलिस है, एसपी डीजीपी तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, इस संवैधानिक पद में बैठने के लायक नहीं है। कि कौन लाठीचार्ज करने का आदेश दिया? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पता नहीं था लाठीचार्ज होने से पहले? ये लाठीचार्ज क्यों हुआ? वहां पर आतंकवादी, वो क्या आतंकवादी संगठन से थे क्या? वहां पर क्या हो रहा था? कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा था, वो अपने जस्टिस हक के लिए बैठे हुए थे। उन पर टियर गैस और पानी की बौछार की जा सकती थी, लेकिन तुरंत लाठीचार्ज किया गया। क्यों किया गया? आज भी इंसाफ नहीं मिला। सवाल वही है। फिर एक बार डिबेट के मुद्दे पर आता हूं। कुछ साल पहले डिबेट में भी यही आता हुआ, मैं लगातार प्रशासन से सवाल पूछ रहा था, लेकिन प्रशासनिक पद पर बैठे हुए आईएएस आईपीएस लोगों ने इस अंडमान को खत्म करने की साजिश रची हुई है। किस प्रकार से बताता हूं। डिबेट के मुद्दे में क्या हुआ? आज तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन संविधान आपका संरक्षक है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया। आपने देखा होगा कि दिल्ली में कावड़ यात्रा में क्या हुआ। आपका नाम निसार फलवाला, मैं बताना चाहूंगा कि निसार फलवाला के साथ क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्लियर वायलेशन, आप किसी के मूल अधिकारों को छीन नहीं सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप काम कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 1950 देश का पहला संविधान बना, और पहले संविधान में 1950 में कोई मुसलमान देश के सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना संविधानिक हक के लिए लड़ा। उसी प्रकार से आज देखने को मिला कि ये गंदी राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया। आज इस देश के अंदर में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी का नाम शो अप नहीं कर सकते दुकान के सामने, आप अपना नाम, तो मैं कहना चाहता हूं कि अंडमान में भी एक दिए की तरह टीएच जी भास्कर, मनोज पाल जैसे लोग हैं कि आज भी आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा। इस देश, इस अंडमान में भी ऐसे ऐसे लोग हैं। सीपीएम पार्टी के डॉक्टर अयप्पन जी, टीएच जी भास्कर कांग्रेस पार्टी से है और उनका टीएच जी फाउंडेशन है। मनोज पाल अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस, जो आपके संविधान की रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट तक जाते हैं और आपके लिए आवाज उठाते हैं, ऐसे लोग हमारे अंडमान में हैं। आज क्यों लोग कोर्ट नहीं जाते? कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, संविधान आपकी संरक्षक है, संविधान आपको हक दिलाएगा। आज दिल्ली में महुआ मोर्चा जैसे लोग भी है जो आज धर्म की राजनीति से उठकर देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए किसी भी मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान आपका संरक्षक है। मैं इसलिए कहता हूं कि आपको जस्टिस मिलेगा, कोर्ट पर आपको भरोसा होना चाहिए। संविधान इस देश का संविधान है।
ये सारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर इस अंडमान को खत्म करने में लगे हुए हैं। किस प्रकार से मैं बताता हूँ, 1 लाख पेड़ काट दिया गया, निकोबार द्वीप समूह में किसी ने आवाज नहीं उठाया, पार्लियामेंट में इसका विरोध नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज 15 साल बाद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय कहता है कि वाइपर आइलैंड भेज दिया गया। कितने बार कहेंगे, कितने शर्म की बात है, 50 बार बोल दिया, एक ही बात को 50 बार रिपीट करता है पार्लियामेंट में बैठ करके। मेडिकल कॉलेज आज बंद करने को बोल रहा है, क्यों मेडिकल कॉलेज को बंद किया जाए? मेडिकल कॉलेज को आप किसी प्राइवेटाइज या फिर एम्स के हाथ में दे दीजिए, क्यों आज तक इंक्वायरी नहीं हुआ? ये पहला सवाल है। एलजी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। एलजी बैठ करके क्या कर रहा है, वो मछली पकड़ने के लिए बैठा है या फिर घूमने के लिए आया हुआ है? आज अंडमान में जिस प्रकार से आईएस राज धीरे धीरे अंडमान को तिल तिल मल रहा है, ये सच्चाई है। आप जितना भी कैंडल मार्च निकालो, आप कितना भी सच झूठ को सच बोल दो, चिल्ला चिल्ला कर जब झूठ बोलो, लेकिन सच एक ही है कि आज अंडमान खत्म हो रहा है। अंडमान के लोग परेशान हैं, अंडमान में रोज कोई ना कोई मर रहा है। वो कोई तेलुगु कम्युनिटी का नहीं है, वो कोई बंगाली का नहीं है, सबका सब अंडमान का लोकल है और अंडमान के लोग है, देश के लोग है, ये आपको समझना होगा। आपको कोई जाति की राजनीति नहीं करनी है, आपको कोई धर्म की राजनीति नहीं करनी है, आपके लोग मर रहे हैं ये आपको सोचना है। देश के युवाओं का साथ क्या हुआ? अब मैं बजट पर बात करता हूं। दिकलीपुर को इस बजट से क्या मिला? दिकलीपुर के लोगों को, अंडमान के लोगों को इस बजट से क्या मिला? 10 करोड़ रुपया नुकसान कर दिया आपने। और विष्णु जी कहते हैं कि मैंने बजट लेकर आए। क्या बजट लेकर आया आप अंडमान में? अंडमान में बजट में डीम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की आपने? क्या आपने डीम यूनिवर्सिटी के बारे में विरोध किया? एक बार भी आपने नहीं कहा कि यहाँ के बच्चों का मांग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्यों विष्णु जी? सवाल तो आपसे भी है, आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहा? आपको वाइपर आइलैंड याद आ रहा है? अरे 50 बार एक बात को 50 बार बोल देने से नहीं होता है, आप एक ही बात को कंटिन्यू कर रहा है। आप बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनेगा? आप बताइए कि एनएच का नेशनल हाईवे कब बनेगा? सबसे पहला मुद्दा था कि बिल्डिंग ग्राउंड, कदम तला के लोगों ने आपको भर भर कर वोट दिए, दिकलीपुर के लोगों ने आपको वोट दिए, क्यों एनएच नहीं मिल रहा है, ये सबसे पहला मुद्दा है। क्यों एमबी सिंधु और जो शिप, दो शिप आया हुआ था, वो आज क्यों बंद है दिकलीपुर में, ये सवाल है। आज दिकलीपुर के लोगों का सामान उनके जट्टी में नहीं उतरेगा, माया बंदर जट्टी में उतरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों आज दिकलीपुर में, इतने बड़े दिकलीपुर में बस स्टैंड नहीं है, ये सवाल है। क्यों आज दिकलीपुर मेडिकल में डॉक्टर नहीं है, ये आपका सवाल है। आज सवाल हर जगह से एक ही सवाल है कि इस अंडमान में ऐसा क्यों हो रहा है, अंडमान में फैसिलिटीज को क्यों तिल तिल मर रहा है, लोग जिंदगी से लड़ रहा है। और इस लड़ाई में हम सबको एक साथ होकर खड़ा होना होगा, देश के तिरंगे को हाथ में पकड़ना होगा और रोड में निकलना होगा कि बस बहुत हो गया और आईएस राज को खत्म करना होगा। क्यों मैं एक बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग एक भी लायक नहीं है इस संविधान के पद में बैठने के। तानाशाही और हिटलर राज आपको देखने को मिलेगा अंडमान में। क्यों मिलेगा मैं आपको बताता हूं। एलजी क्या कर रहा है, एलजी को रिजाइन देकर चले जाना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी सर को रिजाइन दे देना चाहिए, डीसी एसी एसपी, ये लोग कोई लायक नहीं है संवैधानिक पद में बैठने के। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के चेयर पर बैठ करके आप लोग क्या कर रहे हैं, ये पहला सवाल है। एमपी तो पढ़ा लिखा नहीं है कोई भी, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आप लोग तो आईएएस है, यूपीएससी टॉपर है, इसलिए आपको एक वर्दी देकर आपको बैठाया गया है ताकि आप देश की और देश के लोगों की सुरक्षा कर सके। लेकिन आप अंडमान के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? रात के समय में लाइट बंद करके तेलुगु भाइयों को मारा गया, बहनों को मारा गया, उसका आज तक इंक्वायरी नहीं हुआ, कब होगा? ये सवाल आपने पार्लियामेंट में नहीं उठाया। मैं बजट की बात कर रहा था, फिर से मैं पूछता हूं कि दिकलीपुर के लोगों को क्या मिला, अंडमान में बिल्ली ग्राउंड के लोगों को क्या मिला, घना दबला के लोगों को क्या मिला, काला पहाड़ के लोगों को क्या मिला, मेरे रांची भाइयों को क्या मिला? जनगणना की बात हो रही थी, आप जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। सेंसेक्स 2011 का सेंसेक्स जैसा था, आज तक जनगणना नहीं हुआ, 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था, कोरोना की वजह से वो बंद था। हम कितने लोग आए अंडमान में, इल्लीगल लोग कहां से आ रहे हैं, अंडमान एक आइलैंड है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि अंडमान एक आइलैंड है, इट इज नॉट मिनी इंडिया। ये पहले भ्रम की राजनीति बंद कर दीजिए, इतनी गंदी राजनीति अंडमान में नहीं चलेगी। सबसे पहले मिनी इंडिया बोल करके आज अंडमान का पॉपुलेशन कितना है, आप सोच लीजिए कि जिस दिन इस अंडमान में पॉपुलेशन बढ़ेगा, अंडमान में समस्या आती रहेगी। इट इज नॉट ए स्टेट, इट इज ए आइलैंड, ये आपको समझना होगा। एक आइलैंड में जितना कैपेसिटी होना चाहिए, उतने ही लोग इस आइलैंड में बस सकते हैं।
इसलिए पहले के सरकारों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक एग्रीमेंट के तहत लोगों को यहाँ पर बसाया था, उन पर जुल्म हुए, उनको यहाँ पर लाकर बसाया गया, उनको खेती बाड़ी करने का जगह दिया गया। लेकिन आज धीरे धीरे अंडमान का पॉपुलेशन क्या है, ये आपको सच्चाई बताना होगा लोगों को। आप पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं करते, आपने कोई डेटा नहीं दिया कि कितने लोग मरे, कितने लोग जन्म हो रहे हैं, कितने लोग आप धीरे धीरे अंडमान में बढ़ रहे हैं। सीआईडी वाले क्या कर रहे हैं, आईबी वाले क्या कर रहे हैं, ये सब सो रहे हैं। सारा का सारा लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, अंडमान को खत्म किया जा रहा है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी था। मैं लगातार वी न्यूज के माध्यम से, स्टार न्यूज के माध्यम से, न्यूज रिपब्लिक के माध्यम से और एएन न्यूज के माध्यम से सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा हूं कि आज अंडमान में ऐसा क्यों हो रहा है, आज सीएससी डिगलीपुर में स्टाफ क्यों नहीं है, आज स्वीपर क्यों नहीं है, आज डिगलीपुर के लोगों को मायाबंदर क्यों जाना पड़ रहा है, गैनोलॉजिस्ट नहीं है, बार बार, कितनी शर्म की बात है, इस्तीफा दे दीजिए। कोई हक नहीं आपको पेमेंट लेने का, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया आप ले लेगा और यहाँ पर बैठ करके आप चाचा का याद करेगा, चाय पिएगा एसी में बैठ करके, इसलिए आपको सरकारी नौकरी देता है। अपने किसान के पैसे, ये जो पैसा आता है वो किसका पैसा है, जनता का पैसा है और जनता से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, बकवास करने से देश नहीं चलता है। ये जितने भी बात मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर इसका अगेंस्ट में कुछ मेरे साथ डिबेट करना चाहता है तो मैं निकित दास चैलेंज करता हूँ कि मैं डिबेट के लिए, लाइव डिबेट के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इस लोगों ने अंडमान को बर्बाद करने का एक मुहिम छेड़ दिया है। लगातार लोग मर रहे हैं, लगातार लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, लगातार स्कूल में फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी जाइए काम नहीं होगा आपका। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है अंडमान में। आज बजट में एजुकेशन पॉलिसी को कम कर दिया गया, आप सोच करके देखिए। आज एजुकेशन पेपर लीक 10 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है और एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, किससे झूठ बोल रहा है, नीट के एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। इसलिए आपको अंडमान के लोगों को समझना होगा कि अंडमान में किस तरह की षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए अंडमान के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको एकजुट होना होगा। तेलुगु, तमिल, बंगाली, मुस्लिम, क्रिश्चियन, रांची, जितने भी समुदाय के लोग हैं उन सारे हमारे लोग हैं और ये अंडमान में एक तिरंगे के नीचे खड़ा होकर हमें आंदोलन करना होगा। इसके खिलाफ में हमें आवाज उठाना होगा कि बस बंद करो ये मौतें, ये मौत रोज रोज हो रहा है, बहुत शर्म की बात है, दुख की घड़ी है कि रोज कोई ना कोई हमारे हमसे पिछड़ रहा है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं, डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं, डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स आज क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां पर जीबी पर नहीं खोल के रखा गया है। आपको सरकार सैलरी देती है, आपको सरकार सुविधाएं प्राप्त करती है, आपको सरकार हर कुछ देती है, लेकिन आप जनता के साथ ऐसा जो व्यवहार हो रहा है ये देश के लिए और अंडमान के लिए खतरनाक है। साथियों समय आ गया है एकजुट होने का, समय आ गया है कि अंडमान के हर एक लोगों को घर से निकलना होगा और इनके खिलाफ में आवाज उठाना होगा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी धर्म का हो। धर्म की राजनीति में करता नहीं और ये देश के अंदर जो धर्म की नफरत की राजनीति हो रही है उसके खिलाफ में मोहब्बत की दुकान खोलना है और इस अंडमान को बचाना है। तो चलिए साथियों आने वाले हर समय में हम इसका विरोध करते रहेंगे और जितने भी मैं कहता हूं जस्टिस इंसाफ संविधान से ही मिलेगा, इसलिए संविधान आपका संरक्षक है, इसे मत भूलेगा। जितने भी मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है उसके खिलाफ में हम पिटीशन फाइल करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोई तो होगा हमारे लिए इंसाफ के लिए लड़ने के लिए, चाहे वो मनोज पाल हो, चाहे वो टीआरजी भास्कर हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारे इंसाफ के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो उसके पास जाएंगे और इसके खिलाफ में हम पिटीशन जरूर फाइल करेंगे, क्योंकि ये जो मौतें हो रही है ये बहुत दर्दनाक है। और जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि कमेंट्स करना घर में बैठकर बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपकी हक की लड़ाई होती है ना उसमें सहयोग जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।